अस्सलाम वालेकुम सबको, प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज आपको मैं लेके आया हूँ दूसरी साइट पे, पोस्ट लुइस की जो दूसरी साइट है, पोर्ट लुइस की ये दूसरी साइट है। ये भी एक बहुत प्यारी बीच है जिसको कहते हैं डोको बीच, और बहुत साफ़ सुथरी ये बीच है। मतलब पानी बहुत शफाफ है, समंदर का पानी तो हमेशा ही साफ होता है, लेकिन बाज़ जगह पे मैं गया हूँ दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ पे समंदर का पानी जो है वो साफ़ नहीं होता। मतलब ये देखें, आपको ब्लू नज़र आ रहा है सारा पानी। तो अभी इस वक्त गर्मी काफ़ी है, और गर्मी की वजह से लोग जो हैं वो नहीं आते, वीकेंड पे जो है वो ज़्यादा रश होता है। ये प्राइवेट बोटें वगैरह हैं लोगों की अपनी, कुछ लोगों ने बिज़नेस के लिए रखी हुई है टूर कराने के लिए आपको, और कुछ लोगों की यहाँ पे अपनी प्राइवेट जो है वो बोट्स हैं, लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। और बहुत प्यारी बीच है ये। अब ये यहाँ पे आपको मैं कुआं भी दिखाऊंगा जो कि खुश्क है कुआं, और मुझे नहीं उस कुएं की समझ आई कि वो कुआं जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, क्यों बना हुआ है। इतनी ऊंची जगह पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। तो मैं पहले हो के आया हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपको, उस वक्त नहीं बनाई मैंने, वीडियो शूट नहीं किया था, तो अब मैं दोबारा से वहाँ पे जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। और खुश्क है वो कुआँ, बहरहाल चलते हैं अभी। ये जो स्टार्ट में आपने देखी एक बोट थी, ये पुरानी हो चुकी थी बोट काफ़ी, तो उन्होंने फिर इसको साइड पे खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे लोग आके बैठते थे उस बोट में, अब भी बैठते हैं लोग। तो यहाँ पे चलते हैं जी, अंदर देखते हैं। ये पुरानी बिल्डिंग है, इसकी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने ट्राई की है इसकी हिस्ट्री जानने के लिए, इस कुएं की जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं बहरहाल की मालूम ज़रूर करूँगा कि ये क्या चीज़ थी, क्यों था। और ये देखें, ये खुश्क है बिल्कुल, और बीच के पास ये कुआं। मुझे कुछ इसकी लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आ रही, मगर मैं इसको रिसर्च करूँगा, पूछूँगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।